वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान को लेके। प्रेजेंटली शहबाज शरीफ यूएन में गए और वो अपना स्पीच रखा। उनके स्पीच में अगर हम लोग ध्यान से सुने तो हम लोग को पता चलता है वो 16 बार जो है पाकिस्तान का नाम लिया है, 14 बार जो है वो कश्मीर का नाम लिया है और 12 बार जो है वो इंडिया का नाम लिया है। तो नो डाउट शहबाज शरीफ जो है वो ऐसे ही बात करेंगे। और शहबाज शरीफ के जो स्पीच था उसमें वो अपने तरफ से कोशिश किया कि कश्मीर का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको हाईलाइट करना, जो सिचुएशन है हम लोगों का एग्जैक्टली वो नहीं, जो सिचुएशन पाकिस्तान को दिखाना है दुनिया के सामने वो सिचुएशन। और ये सिचुएशन को हाईलाइट करते हुए जम्मू कश्मीर को शहबाज शरीफ ने पैलेस्टाइन के साथ कंपेयर कर दिया। अब हम लोगों को पता है एग्जैक्टली पैलेस्टाइन में प्रेजेंटली क्या कंडीशन है या फिर पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, ऑन द अदर साइड जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, ये हम लोग G20 में ऑलरेडी दिखाई दिए। जब मीटिंग हो रहा था उस टाइम में डिफरेंट लोकेशन में, कश्मीर के जम्मू के और लोकेशन में ये मीटिंग सारा कुछ ऑर्गेनाइज हुआ। दुनिया भर से जो कंट्री के लीडर्स है वो आए और वो पूरा इंडिया घूमे, वो देखे कि भाई कैसा क्या हालत है। तो ये सब होने के बाद भी शहबाज शरीफ अपने तरफ से कोशिश जो है वो बरकरार रखा। नो डाउट शहबाज शरीफ अगर कोशिश करते तो उसका जवाब तो उसको मिलना ही था। तो हम लोगों के तरफ से इसका भी जवाब दिया गया। जवाब क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, उससे पहले देखते हैं। तो जब यूएन में ये सब कुछ चल रहा था उसी टाइम में पाकिस्तान के लिए खुशखबरी आया। खुशखबरी क्या भाई, 25th जो बेल आउट है IMF के तरफ से वो पाकिस्तान को मिला, जिसमें IMF आगे जाके पाकिस्तान को टोटल $7 बिलियन देने वाला है। और ये एक साथ नहीं देगा, ये धीरे 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 करके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल होना पड़ेगा और उसके बाद से IMF अपने तरफ से ये जो पैसे है वो पाकिस्तान को देगा। अब पाकिस्तान को तो ये खुशखबरी लगेगा क्योंकि पाकिस्तान को लोन लेने में या फिर 25th टाइम जो बेल आउट है वो मिलने में कोई शर्म नहीं आता कि भाई ये पैसा कभी चुकाना है, क्योंकि पाकिस्तान हर बार बोलता है कि भाई हम लोग ये जो है ये लास्ट टाइम है, इसके बाद से हम लोग जो है सारा पैसा चुका देंगे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए पाकिस्तान का जो हालत है, पाकिस्तान किसी का पैसा भी रिफंड करेगा या फिर कैसे रिफंड करेगा ये पाकिस्तान को ऊपर ही डिपेंड है, ये पाकिस्तान आगे जाके क्या करेगा। तो जो भी वो अच्छी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए कि भाई बेल आउट मिल गया, मगर इसके साथ कुछ फ्री भी मिला। जैसे हम लोग को पता है कि हर बेल आउट के साथ बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तो इसके साथ भी बहुत टर्म्स एंड कंडीशन आया, जिसमें कहा गया कि भाई 6 जो मिनिस्ट्री है पाकिस्तान को वो 6 मिनिस्ट्री को कम्प्लीटली हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो मिनिस्ट्री है उसमें पाकिस्तान का पैसा खर्चा हो रहा है और पाकिस्तान को कॉस्ट कटिंग करना है। तो अगर 6 मिनिस्ट्री को हटाया जाएगा पाकिस्तान के गवर्नमेंट से, तो आप सोच ही सकते हैं कि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है या फिर वो जो मिनिस्ट्री में काम करते हैं उन लोग का जो है नौकरी चला जाएगा। तो राउंड अबाउट 1.5 लाख जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उन लोग का जो नौकरी है वो चला जाएगा। हम लोगों को पहले से ही पता है पाकिस्तान में जॉब का क्या कंडीशन है या फिर पाकिस्तान का इकोनॉमी क्या है। ऑन द अदर साइड अगर 1.5 लाख जॉब चला जाता है तो आगे जाके पाकिस्तान का हालत क्या होगा। प्रेजेंटली हम लोग देखे कि इसको लेके जो प्रोटेस्ट है वो ऑलरेडी पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया। सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड एरिया है वो है रावलपिंडी, क्योंकि रावलपिंडी में राउंड अबाउट 42 डिपार्टमेंट है और ये सारा डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ जो काम करते हैं उन लोगों का जो जॉब है वो चला जाएगा। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान आगे जाके इसको कैसे संभालेगा, क्योंकि जब ये डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उन लोगों का कहना है कि भाई लास्ट 5-6 साल से कोई रिक्रूटमेंट भी नहीं हुआ, हर एक डिपार्टमेंट में more than 100 वैकेंसीज है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ रिक्रूटमेंट किया ही नहीं, क्योंकि अगर रिक्रूटमेंट करेगा तो उन लोग को मतलब सैलरी कैसे पे करेगा, ये तो पाकिस्तान के लिए वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है। इसके वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने तरफ से कोई रिक्रूटमेंट किया ही नहीं है। ऑन द अदर साइड जो अभी भी काम कर रहे थे उन लोग का जो है अभी धीरे धीरे उन लोगों को जॉब कट किया जाएगा। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है या फिर जो डेली वेज में काम करते हैं जो वर्कर है वो लोग भी इससे बाहर नहीं है, उन लोगों का जॉब है वो भी कट हो जाएगा। मतलब आगे जाके पाकिस्तान में खाना मिलना तो दूर, आगे जाके पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के सिटीजन है वो कैसे रहेंगे ये उन लोगों को ही पता है। और इसको लेके पाकिस्तान में डिफरेंट लोकेशन में अगर हम लोग देखें धीरे धीरे ये जो प्रोटेस्ट है ये और भी बढ़ रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो वर्कर यूनियंस हैं वो लोग अपने तरफ से जो वॉइस है वो रेज कर रहा है। बट पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस सबसे भी ज़्यादा जो मेजर इफेक्ट कर रहा है वो है भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपना जो उधार है वो चुकाना है। आने वाले 3 सालों में पाकिस्तान गवर्नमेंट को $90 बिलियन देना है जिन लोगों से उन लोग उधार लेके रखा है। इसके अलावा भी अगर देखें टोटल पाकिस्तान गवर्नमेंट को $130 बिलियन देना है। पाकिस्तान के पास ये पैसा नहीं है, तो पाकिस्तान को अगर ये पैसा अपने तरफ से अरेंज करना है या कुछ भी करके ये मतलब लाना है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को पैसे गवर्नमेंट को अपने तरफ से पैसा बचाना है। और यही पैसा बचाने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट आगे जाके अपना जो 6 मिनिस्ट्री है उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। जो वहाँ काम करते थे उन लोगों को जॉब जो है वो लोग का जॉब कट हो जाएगा, जिसके वजह से पाकिस्तान में हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो प्रोटेस्ट है वो और भी ज़्यादा मतलब साउंडेड हो या फिर जो ये वर्कर यूनियन है ये लोग और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाए। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हम लोग के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है,
हम लोग को बस यही करना है। इसके अलावा भी पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है जो पाकिस्तान कभी ऑप्ट नहीं करेगा, वो ऑप्शन है पाकिस्तान का मिलिट्री बजट। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें, पाकिस्तान जो अपना सबसे ज़्यादा खर्चा करता है अपना बजट में, वो है अपना मिलिट्री के ऊपर। और यही मिलिट्री क्या करता है, यही मिलिट्री जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो टेररिज्म है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो संगठन है पाकिस्तान में जो बढ़ रहे हैं, जो लोग कश्मीर में आ रहे हैं, उन लोगों को हेल्प करता है डिफरेंट टाइम में। ये ऑलरेडी इंडिया के तरफ से प्रूफ कर दिया गया है, पाकिस्तान को ऑलरेडी इंडिया के तरफ से डिफरेंट जो डॉक्यूमेंटेशन है, डिफरेंट जो प्रूफ है वो सबमिट कर दिया गया है, मगर पाकिस्तान मानने को राजी नहीं है। पाकिस्तान को ये पैसा कश्मीर के पीछे, मतलब कश्मीर में कैसे आतंक फैलाना है उसमें इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, इंस्टीड ऑफ जो पाकिस्तान के सिटीजन है उन लोगों को अगर खाना मिलता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, पाकिस्तान को इससे प्रॉब्लम होता है। तो नो डाउट ये कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। और प्रेजेंटली अगर देखा जाए, हम लोगों का जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट भी अपने तरफ से पाकिस्तान का जो ये स्पीच था, जो यूएन में जो स्पीच दिया था शहबाज शरीफ में, उसका एक एक पॉइंट पकड़ पकड़ के इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इसका आंसर दिया गया। जैसे हम लोगों को पता कि हमारे जो पीएम थे वो इस बार जो यूएन का मीटिंग था उसमें नहीं गए, ऑन द अदर साइड इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे डॉक्टर जयशंकर साहब, वो गए थे। तो उन्होंने अपने तरफ से पाकिस्तान को एक एक जवाब दिया। अगर आपके पास टाइम है तो ये वीडियो देखने के बाद आप यूट्यूब में जाके उनका स्पीच भी सुन सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीच मुझे लगता है। ऑन द अदर साइड अगर आप ये स्पीच को सुने तो आपको पता ही चल जाता है कि भाई अगर जयशंकर साहब चाहे तो कोई भी कंट्री का एग्जैक्ट टू द पॉइंट उनको दिखा सकता है कि उनका औकात क्या है। यूएन के स्पीच में जयशंकर साहब ने कहा, पाकिस्तान अपना जो जीडीपी है वो रेडिकलाइजेशन से मेजर करता है, ऑन द अदर साइड जो एक्सपोर्ट है वो टेररिस्ट के हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं, मतलब कितना जो टेररिस्ट है वो बाहर कंट्री में गए वहाँ जाके आतंक फैलाए, एज पर पाकिस्तान वो है पाकिस्तान का एक्सपोर्ट। ऑन द अदर साइड या फिर जितना भी जो इनोसेंट पीपल है उन लोगों को रेडिकलाइज कर पाए उसके ऊपर पाकिस्तान जो है उनका जीडीपी मेजर होता है। तो ये सुनने के बाद दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो प्रेजेंट हालात है वो सबके सामने क्लियर हो गया, हर किसी को पता चल गया कि भाई पाकिस्तान का क्या हालत है। और मैं एक चीज़ समझ नहीं पाता हूँ कि भाई सबको पता है पाकिस्तान का क्या हालत है, फिर भी शहबाज शरीफ अपने तरफ से जाके कश्मीर का नाम क्यों उठाता है, वो भी 16 बार अपने स्पीच में, 12 बार इंडिया का नाम, 14 बार पाकिस्तान का नाम। चलो पाकिस्तान आपका कंट्री है तो ठीक है, आप उस पर कंसंट्रेट कर रहे हो, ऑन द अदर साइड आपका एक यूएन में स्पीच दे रहे हो उसमें आप एक दूसरा कंट्री के एक लोकेशन को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो, दूसरा कंट्री को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो, मतलब आप लोग का एग्जैक्टली क्या है कि भाई अपना कंट्री पे कम कंसंट्रेट करो, ऑन द अदर साइड दूसरे कंट्री के दूसरा लोकेशन में ज़्यादा कंसंट्रेट करो। और आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली कोई कुछ नहीं बोलेगा, हर कोई छोड़ देगा, ऐसा थोड़ी होता है। जयशंकर साहब को आप जानते ही है ना, जयशंकर साहब को तो आप बहुत साल से नोटिस कर रहे हो कि उनका स्टेप क्या होता है। तो जो भी है, जयशंकर साहब का स्पीच अगर आप चाहे तो आप सुन सकते हैं यूट्यूब में जाके, वन ऑफ द बेस्ट स्पीच है अभी तक। ऑन द अदर साइड ये सब सुनकर दुनिया के जो सारा कंट्रीज है वो लोग भी हैरान हो गया कि भाई क्या बोल रहे हैं, भाई पाकिस्तान का ऐसा हालत हो गया। हम लोगों को पता था कि भाई टेररिज्म जो है पाकिस्तान में उभर रहा है, ऑन द अदर साइड पाकिस्तान अपनी तरफ से डिफरेंट जो स्टेप ले रहे हैं, ऑन द अदर साइड पाकिस्तान का जो ये डिस्क्रिप्शन है इसको सुनने के बाद हर कोई हैरान ही हो गया। सिर्फ यही नहीं, अगर हम लोग ये सब छोड़ के इंडिया वापस आए तो हम लोगों को पता चलता है कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, वो भी अपने तरफ से पाकिस्तान को एक हाथ सुना ही दिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान का रिलेशन इंडिया के साथ अच्छा होता और प्रेजेंटली अगर पाकिस्तान इंडिया के अच्छा पड़ोसी बन के रहता तो ये जो पाकिस्तान जाके IMF के सामने हर बार बोल रहा है कि भाई पैसा दो पैसा दो, इससे ज़्यादा पैसा तो इंडिया ही दे देता पाकिस्तान का, ये जाओ भाई अपने कंट्री में जाओ और तरक्की करो, और इतना सारा जो IMF जो आप लोगों को क्लॉज दे रहा है ये भी नहीं देता। तो नो डाउट अगर इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा होता तो ऑब्वियसली इंडिया अपने पड़ोसी के लिए करता है। जैसे अगर आज के डेट में हम लोग मालदीव्स को देखें, मालदीव्स के लिए भी इंडिया किया है, ऑन द अदर साइड जो रिलेशन है उस हिसाब से इंडिया के पास से पाकिस्तान का कुछ एक्सपेक्ट करना ये तो एकदम मतलब बेकार है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सिर्फ यूएन में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से ये सब सुनना ही नहीं, ऑन द साइड इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके पास से भी ये सब सुनने के बाद भी शहबाज शरीफ जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली वो उस तरह से ही आगे जाएगा। ऑन द अदर साइड मुझे लगता है कि इंस्टीड ऑफ जॉब कट्स अगर पाकिस्तान अपने जो डिफेंस बजट है या फिर मिलिट्री बजट है उस पर अगर ध्यान देता वहाँ खुद कट कर सकता तो हो सकता है कि पाकिस्तान का जो सिटीजन है उन लोगों का लाइफ थोड़ा सा बेटर हो सकता था। इंस्टीड ऑफ कंसनट्रेटिंग दूसरों के कंट्री में अगर पाकिस्तान अपना कंट्री में ज़्यादा ध्यान देता है तो नो डाउट ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान में प्रेजेंटली जो बेल आउट का जो कंडीशन है, अगर ये जॉब कट होता है तो नो डाउट पाकिस्तान के जो छोटा छोटा संगठन है, जो यूनियन है, वर्कर यूनियन, वो लोग अपने तरफ से फिर रस्ते में आएगा और हो सकता है कि पाकिस्तान में आगे जाके हम लोगों को फिर से प्रोटेस्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्रोटेस्ट से याद आया, क्या आपको नहीं लगता कि भाई जब से इमरान खान गए हैं और ये शहबाज शरीफ आए तब पाकिस्तान का जो ये बेल आउट है ये बहुत ईजी अवेलेबल हो जाता है, वर्ल्ड बैंक से हो, IMF से हो, कहीं से भी हो।
अब पहले जब इमरान खान रहता था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये बेल आउट उतना ज़्यादा इजी अवेलेबल नहीं होता था, और प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें पाकिस्तान को बहुत ही इजी ये जो बेल आउट है, ये जो पैसा है ये मिल जाता है। तो आपको क्या लगता है एग्जैक्टली इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर आपको रीज़न पता है तो कमेंट कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU PAUL को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। डिफरेंट टॉपिक में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको वहाँ देखने को मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है, आपको क्या वीडियो देखना अच्छा लगता है उन तक पहुँचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोज़ जो है वो डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।